इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेशन के बारे में, मतलब समान गति, असमान गति और त्वरण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ के कश्यप और ये प्यारा सा चैनल आपका आईक्यू कश्यप। यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान गति। ठीक है, समान गति मतलब यूनिफॉर्म मोशन। आपको समझ में आ रहा है कि गति क्या हो रहा है, समान हो रहा है। एक फेनोमेना लेते हैं, मान लीजिए एक रोड है और इस पे डिफाइन करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस है। मान लीजिए कि यहाँ से पहले यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से फिर कुछ डिस्टेंस है, यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है, ऐसा कुछ डिस्टेंस मैंने फिक्स कर लिया। और ये फर्स्ट डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर, क्लियर। फिर नेक्स्ट 2 मीटर, ऐसे करके 2 मीटर का इंटरवल चलता जा रहा है, क्लियर। ये क्या करता है, एक बंदा है यहाँ पे और इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है और यहाँ से ए से मान लीजिए बी तक जाने में इसको 2 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। उसके बी से सी तक जाने में फिर 2 सेकेंड लगते हैं, फिर सी से डी तक जाने में फिर ना 2 सेकेंड लगते हैं, क्लियर। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको फिर 2 सेकेंड लगते हैं, क्लियर। ई तक आ चुका है। अब यहाँ से आपको देखना है कि कितने प्लेसेस चेंज कर चुका है, 1 2 3 4 5 प्लेसेस चेंज कर चुका है। अब मुझे क्या करना है, यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन चेक करना है। तो यहाँ से आप क्या करें, स्पीड चेक कर लें, हर इंटरवल में स्पीड चेक करें, हर इंटरवल में क्या करें, स्पीड चेक करें। तो देखेंगे स्पीड हम लोग देखते हैं पहले कहाँ से, ए से बी तक का। तो स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग जान चुके हैं कि स्पीड मतलब कि गति इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब दूरी बटा टाइम मतलब कि समय, ए होता है। तो यहाँ से देखेंगे स्पीड ए से लेकर के बी तक निकाल रहे हैं, तो यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, तो 2 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, तो 2 सेकेंड मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टाइम पर देखिएगा। उसके बाद लेते हैं सेकेंड स्पीड बी से सी तक देखते हैं, बी से सी कितना डिस्टेंस, 2 मीटर, नीचे टाइम कितना लग रहा है, ऐसा जाने 2 सेकेंड मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। फिर देख लेते हैं स्पीड सी से डी तक, ये भी कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर ही है, तो 2 मीटर बाई 2 सेकेंड्स मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। आप क्या देख रहे हैं कि हर जगह स्पीड क्या है, सेम है। स्पीड क्या है, हर जगह सेम है, हर पॉइंट्स पे देख रहे हैं कि स्पीड सेम है। जब हर पॉइंट्स पे स्पीड सेम हो और टाइम हर टाइम इंटरवल में, जैसे 2 सेकेंड में फिर 2 सेकेंड में फिर 2 सेकेंड में फिर 2 सेकेंड में, सेम टाइम इंटरवल में, क्या सेम टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस भी कह सकते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सेम स्पीड है इसके पास, ये ट्रैवल कर रहा है, ऐसा लिखेंगे तो ए ट्रैवल लिखेंगे और ए इसका स्पीड है तो स्पीड लिखेंगे। तो क्या कर रहे हैं कि स्पीड क्या है, सेम है, हर जगह देखेंगे कि इसका स्पीड क्या है और 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 2 मीटर। 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 2 मीटर। 2 सेकेंड में कितना, 2 मीटर। फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में 2 मीटर। तो ऐसे इक्वल टाइम इंटरवल में देखिएगा, सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है या फिर सेम स्पीड रहता है, वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन या फिर समान गति, ठीक है। सेम इंटरवल में देखिएगा, आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर ले, यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से क्या हो रहा है कि हर टाइम इंटरवल, जैसे 1 से लेकर के 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड के बीच में इसका जो स्पीड है क्या है, सेम है। फिर इसके नेक्स्ट भी देखा गया तो स्पीड क्या है, सेम है। इसका मतलब स्पीड सेम है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम ही ट्रैवल कर रहे होंगे। अगर ये सब चीज़ सेम हो रहे हैं तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका डिफिनेशन कहते हैं हम लोग एन
ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इंटरवल है ना। यहाँ पे कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है कितना, इक्वल टाइम इंटरवल में। मान लीजिए कि एक सेकंड में कोई बंदा 2 मीटर जा रहा है, तो मैं पूछूं कि दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो एक सेकंड में 2 जा रहा है तो 2 सेकंड में कितना जाएगा, ये कितना है टाइम इस पर ले रहा है और ये डिस्टेंस क्लियर। तो आप बताइए एक सेकंड में 2 जा रहा है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो रहा है तो कह रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो सिंपल सी कहानी, तो 2 सेकंड में कितना करेगा, तो 2 सेकंड मतलब 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर, तो दूसरे में भी कितना 2 मीटर, तो 2 दुना कितना हो जाएगा 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर मान लीजिए 3 मीटर, मैं 3 सेकंड ले लूँ, तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 1 मीटर में 2, फिर दूसरे सेकंड में 2, फिर तीसरे सेकंड में 2, मतलब कितना 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 5 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 1 सेकंड में 2, फिर अब ऐसे भी देखना 2 2 1 1 सेकंड में ट्रैवल करने वाला है, तो 5 × 2 कर दे, 5 × 2 मतलब 10 मीटर क्या करेगा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। देखना ये कितना है 1 सेकंड, ये भी कितना है, इसके बीच का डिफरेंस चेक करो, ये भी कितना है, सॉरी ये कितना है 2 सेकंड, ये 2 सेकंड में देखना था टाइम इंटरवल कितना कर रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में अगर 1 मीटर कर रहा है तो 2 सेकंड में क्या करेगा, मतलब मीन्स एक बढ़ रहा है ना, 1 सेकंड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी कितना 1 सेकंड में जो उसमें ट्रैवल किया उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, तो 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में कितना 5, 5 सेकंड में। इसका अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लें, देख लीजिए ग्राफ, अगर इस पे टाइम ले लें, ये देखना ये डिस्टेंस और ये टाइम है। ग्राफ पे अगर हम लोग बेसिक से एकदम शुरू से बात करने वाले हैं, एकदम जीरो से चलेंगे, फिलहाल इतना बेसिक आपको कुछ बात आता है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस और टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे टाइम लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 2 मीटर, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4, 5, 6, ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है 1 यानी 2 2 का ही लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 कितना 12, क्लियर। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे इस पे टाइम है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है 2, तो इसके सामने चल जाएंगे, इसका कोऑर्डिनेट 1, 2 हो जाएगा, अच्छा। उसके बाद देखना 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 4, तो 2 सेकंड में कितना 4 यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब 2, 4, फिर 3 सेकंड में कितना 6, तो 3 यहाँ हो गया और 6 यहाँ हो गया, 3, 6, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 सेकंड में आपसे पूछ दिया जाए तो 8 बोलने वाले हो, तो 4 सेकंड ए है 4 और ये हो गया इसके सामने 8, और इस सारी को ज्वाइन कर दो तो आप देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है इसका मतलब है ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो यहाँ से इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ किस तरह का यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन है। तो आपको एक और बात याद यहां से रख सकते हैं कि यहां पे स्पीड भी क्या है, यूनिफॉर्म है, ये क्या होगा यूनिफॉर्म कॉन्शियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम टाइम इंटरवल में स्पीड क्या है, सेम है हर जगह, इसका स्पीड क्या है, अगर यहां से मैं स्पीड निकालूं तो 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी देखना 4/2, यहां भी क्या 2 मीटर पर सेकेंड, हर जगह क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड भी क्या होगा सेम होगा। तो इस स्पीड को यूनिफॉर्म मोशन बोलिए या फिर यूनिफॉर्म स्पीड बोलिए, बात सेम ही आता है। तो आपको ये याद रखना ज़्यादा बेटर होगा कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन क्या, स्पीड, मोशन कर रहा है इसका मतलब उसके पास क्या है स्पीड, तो स्पीड रखना। ऐसे भी देखना ये डिस्टेंस है और टाइम है, डिस्टेंस और टाइम से क्या बनता है, तो स्पीड बनता है, तो यहाँ से ले लेंगे स्पीड। तो यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, मतलब समान गति बोल सकते हैं या समान चाल बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये ग्राफ आपको शो करेगा कौन सा यूनिफॉर्म मोशन, ये कहानी आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे नंबर, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन
नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब असमान असमान गति, ठीक है, असमान गति। अब समझिएगा, मान लीजिए यहाँ तक एक पाथ है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ से ए है, इसको बी तक जाता है, फिर सी तक जाता है, फिर डी तक जाता है, ऐसा कुछ आता है। यहाँ से इसको जाने में एक सेकेंड लगा, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको एक सेकेंड लगा, फिर यहाँ तक जाने में इसको एक सेकेंड लगा, यहाँ तक आ गया। लेकिन डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, समझ लेना, फर्स्ट में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकेंड में क्या किया, ये वो 1 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, थर्ड में क्या किया, ए 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर गया और यहाँ तक आ गया। देखना यहाँ पे टाइम इंटरवल देखो, एक सेकेंड ही है, एक सेकेंड में यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 मीटर। यहाँ पे देखेंगे एक सेकेंड ही है, ये कितना है, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 1 मीटर। इसका मतलब है यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट एक सेकेंड की बात करें, इसमें 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ से यहाँ तक ले ले पूरा, यहाँ से यहाँ तक ले ले तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से दो ऐसे ले ले छोड़िए, तो सेकेंड एक सेकेंड में कितना, तो 1 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और फिर आगे एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। देख रहा हो, एक ही सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना, 2 मीटर, फिर एक सेकेंड वो 1 मीटर और दूसरे एक सेकेंड में 4 मीटर। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, मतलब ये बदल रहा है ना, एक सेकेंड में अलग अलग स्पीड हो रहा है। तो ऐसे स्पीड को इक्वल टाइम इंटरवल में, याद रखेंगे, इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब असमान असमान गति, क्लियर, असमान गति, असमान मतलब समझ ही रहे, अगति, जिसका समान गति ना हो। अब देखना यहाँ से गति निकाल लो, मतलब स्पीड निकाल लो, तो फर्स्ट एक सेकेंड के लिए स्पीड कितना होगा, फर्स्ट एक सेकेंड के लिए डिस्टेंस बाई टाइम, तो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड के लिए बताओ, इसके लिए स्पीड कितना होगा, इसके लिए स्पीड कितना है, 1/1, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। यही भी दिख रहा है कि स्पीड दोनों का क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो जब स्पीड ही अलग अलग हो गया टाइम इंटरवल के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे किस तरह का मोशन कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। चलिए मान लीजिए एक सेकेंड में ए क्या करता है, इस पर टाइम है और इस पर डिस्टेंस, ठीक है, एक सेकेंड में ए 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दूसरे सेकेंड में क्या करता है, ए 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तीसरे सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, नेक्स्ट सेकेंड में क्या करता है कि 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, नेक्स्ट में क्या करता है कि 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने लगता है। यहाँ पे देखेंगे ये एक सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 2 मीटर, तो दूसरे सेकेंड में 2, तो लग रहा है कि 2 बढ़ रहा है, फिर आगे देखें तो फिर आगे भी 2 बढ़े तो बात बन सकता है, तीसरे सेकेंड में कितना हो गया, 5, तो ऐसे 2 बढ़ता तो 6 होता, तब क्या हो जाता, सेमी सॉरी यूनिफॉर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब यहाँ एक सेकेंड में कितना 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसका ये भी क्या है, 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए था, 4 मीटर, तो ठीक है, लेकिन 3 सेकेंड में फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए था, एक में दो, तो 3 में कितना, 6, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 5। तो इससे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कॉन्शियस मोशन। आप समझ जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ कर ले आप, इस पे ले ले टाइम और इस पे ले ले कॉन्शियस डिस्टेंस, क्लियर। मान लीजिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, 1, 4, 2 ले ले, 2, 4, 6, 8 कितना, तो 10, क्लियर, इतना ले लेते। फर्स्ट सेकेंड में कितना 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो सेकेंड यहाँ 2 यहाँ, तो यहाँ पर 1 कितना, 2, इसका दूसरे में 4 करता है, 2 हो गया और यहाँ 4, 2 तो 4, तीसरे में क्या करता है 5, तो यहाँ से 30 और यहाँ इसके बीच में कहीं होगा, इसके बीच में यहाँ पे कहीं
तीन तो पाँच। अच्छा चौथे में क्या करता है, छ चार, और यहाँ हो गया कितना इसके सामने, छ चार छ। फिर क्या करता है पाँचवें में, दस करता है, ये हो गया पाँच और ये हो गया कितना दस, पाँच दस। यहाँ से देखेंगे ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है क्या, क्या हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है क्या, टेढ़ा मतलब कर्व हो रहा है क्या, कर्व हो तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, असमान असमान गति, ठीक है असमान गति। इसका मतलब है आप समझना, असमान गति असमान गति, इसको हम लोग कहानी समझ रहे हैं क्या, असमान गति या असमान चाल, गति चाल सेम ही, तो असमान असमान चाल, इसको असमान चाल भी बोलते हैं, मतलब यूनिफॉर्म सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड, ठीक है ना। आगे चल के वेलोसिटी से भी कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस, एक दूसरा हो गया, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, एक तीसरा ले लेते हैं, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, और एक और ले लेते हैं, ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट में क्या करता है, ये कुछ ऐसा ट्रैवल करता है ऐसा, फर्स्ट नंबर ए नंबर में, बी नंबर में कुछ ऐसा ट्रैवल करता है ना, पैरेलल टू दिस, तीसरे नंबर में कुछ ऐसा ट्रैवल करता है, ठीक है सी नंबर में, और डी नंबर में ठीक है कुछ ऐसा ट्रैवल करता है। सभी को देख करके इसके फिगर को बताने हैं कि क्या क्या हो रहा है। पहला चीज मैं बोला था कि अगर स्ट्रेट ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा हो तो किस तरह का मोशन होता है, तो यूनिफॉर्म, तो यहाँ दिख रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड या समान समान गति, ठीक है ये तो हो गया, इसका मतलब ये हो रहा है समान गति। अब इस केस में क्या हो रहा है देखना, मान लो यहाँ पे डिस्टेंस अगर 10 मीटर हो सपोज मान लो, और यहाँ टाइम वन टाइम टू टाइम थ्री, ठीक है गौर कर लें, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, फिर दूसरे सेकेंड में कितना है 10 ही पे है, तीसरे सेकेंड में कितना है 10 ही पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक सेकेंड में 10 ही पे है, दूसरे सेकेंड पे 10 ही पे है, इसका मतलब क्या है। मान लो मैं बोलूँ कि एक सेकेंड बाद मैं 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके जहाँ पे था वहीं पे हूँ, दूसरे सेकेंड में भी देखा जाता है तो मैं वहीं पे फिर से हूँ, मैं तीसरे सेकेंड में भी देखा जाता है फिर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही रुका मतलब वहीं पे हूँ, इसका मतलब क्या है, ये क्या दिखा रहा है आपको कि मैं रेस्ट में हूँ, बात समझ आए कि नहीं, 10 मीटर के डिस्टेंस पे रुका हुआ है, टाइम तो पास कर रहा है लेकिन डिस्टेंस पास करना चाहिए तब तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से टाइम तो पास कर रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, इस पे डिस्टेंस है तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कर्व होना चाहिए कुछ ऐसा, तो यहाँ डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है। अगर आप कॉन्स्टेंट स्पीड से भी जाते तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करते ही ना, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस ट्रैवल कर ही नहीं है, 10 पे रुका हुआ है, इसका मतलब इसको बोलेंगे कि ये रेस्ट में है। अब इसको देख कर ये क्या है, स्ट्रेट है क्या, स्ट्रेट है, इसका मतलब ये क्या है यूनिफॉर्म। अब देखना होगा कि ऐसे है, ये क्या है, ये पैरेलल था और ये ऐसे है, क्लियर, ये ऐसे है, इसका मतलब इस पॉइंट पर डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल किया, टाइम ये लगा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस, देखो इस पर डिस्टेंस इतना ट्रैवल करेगा कि नहीं, और टाइम इधर इतना बढ़ा कि नहीं, तो ये टाइम बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन या फिर समान गति। अच्छा इस वाले को देखिए, ये क्या है, कर्व है, तो सिंपल सी बात है कर्व है तो क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर स्पीड भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अंतर समझ में। अब ये एक्सेलरेशन, 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 इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण,
क्या बोलते हैं, त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन एक्चुअली ये होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कौन चीज वेलोसिटी में बदलाव, मतलब वेग में, वेग में अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा था, और यहाँ पे ये बंदा था यहाँ पे, और ये इधर में जा रहा था कुछ कितना, तो 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा था। वेलोसिटी आप जान रहे होंगे, ठीक है, वेग को बोलते हैं। इधर क्या रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब क्या करता है, ये अपने ऊपर कुछ फोर्स मस्क्यूलर दौड़ेगा तो कुछ मस्क्यूलर अंदर से फोर्स लगाएगा और इसका स्पीड चेंज होता है, और यहाँ पे आता है तो इसका स्पीड देखा जाता है कि ये स्पीड बढ़ करके 4 मीटर पर सेकंड कर चुका है। पहला चीज, एक कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर के स्पीड से चल रहा था, अब ये अपने ऊपर क्या क्या मस्क्यूलर फोर्स लगाया और आगे की तरफ स्पीड बढ़ा लिया। यहाँ पे ये जो है इनिशियली, मतलब जहाँ से हम लोग देखना शुरू किए हैं, इसको बोलते हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं यू से, क्लियर, इनिशियल से यू से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ से यहाँ गया, जब स्पीड चेंज कर लिया तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन से, अंतिम वेग, अंतिम वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी, और इसको इंडिकेट करते हैं यू से, सॉरी वी से, ठीक है, इसको वी से इंडिकेट करते हैं, इसको यू से, स्मॉल यू और स्मॉल वी से इंडिकेट करते हैं। अब समझना, यहाँ से चेंज हुआ, यहाँ से कितना स्पीड था, 2, और चेंज होकर के स्पीड कितना हो गया, स्पीड या वेलोसिटी सेम ही यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, ये कहानी को मैं समझा चुका हूँ। तो स्पीड बोलूँ तो भाई कन्फ्यूज नहीं होना, स्पीड या वेलोसिटी, इस केस में दोनों क्या है, सेम है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगे, सेम होंगे, नहीं जाएंगे तो लेक्चर एक बार देख लेंगे, 2 नंबर लेक्चर। तो यहाँ से ये मूव कर रहा है, तो इसका स्पीड 2 था, और ये क्या किया, कुछ इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स क्या लगा, हम लोग अभी फोर्स के बारे में कुछ इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे फोर्स को शामिल करेंगे, लेकिन इतना क्लियर है कि यहाँ पे फोर्स लगा हुआ तो ही स्पीड इसका क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये स्पीड अपना बढ़ा के यहाँ तक आ गया और स्पीड इसका इतना है। अब एक्चुअल चेंज, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, देखना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है, याद रखने की बात है, ठीक है, इफ इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है, याद रखिएगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस, फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करना होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब गौर करना, ये रेट ऑफ चेंज को हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल भी से, रेट ऑफ चेंज, चेंज इन वेलोसिटी को भी से, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं कौन चीज से, भी से, क्लियर, और इनिशियल को हम लोग यू से, तो इसमें से माइनस करना है यू, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन चीज वेलोसिटी इसी को बोलते हैं। मतलब यहाँ से अगर निकालें तो 4 फाइनल हो गया, देख लो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर रेट कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में, तो ऐसे देखते हो तो 4 में से 2 को माइनस कर लो, तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी, कौन सा चेंज इन वेलोसिटी, तो 4 में से 2 को माइनस करो, मतलब 2 मीटर पर सेकंड ये बढ़ाया है अपना स्पीड, कितना 2 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड बढ़ाया, तो इसका इंक्रीजमेंट है कौन सा अपने स्पीड में। आई होप इतना बात आपको समझ में आया। तो यहाँ से ये आपको समझ में आया कि ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में अंतर, ये क्या है, वेग में अंतर इज इक्वल टू अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसको माइनस करेंगे चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा। तो ये समझ में यहाँ से आया। अब यहाँ से एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, अब समझना, यहाँ से यहाँ तक स्पीड चेंज किया होगा तो टाइम लगा होगा कुछ, मान लो 2 सेकेंड इसको टाइम लगा, ठीक है, 2 सेकेंड टाइम लगा, तो एक्सेलरेशन क्या कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में अंतर बाय टाइम,
कितना देर में वो स्पीड को चेंज किया, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया तो 2 सेकेंड में अपना स्पीड को चेंज किया, तो यहाँ से हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब 4 में से 2 को माइनस करिए तो हो जाएगा इतना, और टोटल टाइम कितना लगा तो 2 सेकेंड, मतलब 2/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट पर हम लोग बात करेंगे, फिलहाल ये समझ में आना चाहिए। उसी तरह अगर एक स्टैंडर्ड फार्मूला क्रिएट करना चाहे तो देखिएगा, यहाँ से वेलोसिटी हो गया, यहाँ से अब एक्सेलरेशन मतलब कितना त्वरण, ये क्या कहता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो टाइम चेंज करने में लगा, तो टाइम को हम लोग क्या मान लेते हैं टी, तो यहाँ से ए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, कौन चीज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, कहीं कहीं सिर्फ वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख रहा है, डरने की बात नहीं है, ए भी हो सकता है वेलोसिटी बाई टाइम, तो ए आपका हो गया इतना, वेग बटे ऐसा लिख लेंगे, वेग बटे कितना समय, त्वरण इज इक्वल टू, चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, देखिएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग पढ़ लिए कि चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में अंतर बाय टाइम, ठीक है। तो आप देखिए यहां से हम लोग शॉर्ट में लिखे तो ए चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल वी बाय टाइम टी, अच्छा यहां से ए क्या था वी माइनस यू, याद है ना, वी माइनस यू बाय टी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर्मूला, तो देखिएगा इसको अगर थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ए टी इजकल टू वी माइनस यू, और यहाँ से वी इजकल टू निकालें तो क्या हो जाएगा यू प्लस ए टी, और इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना याद रखो कि ए होता है, ए कहानी याद रखेंगे, ए क्या है त्वरण इजकल टू ये सब होता है कहानी। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा हम लोग पढ़ चुके कि एक्सेलरेशन इजकल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखा रहेगा वेलोसिटी तो समझना एक्चुअल वो चेंज इन वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट निकालने के लिखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी बाई कॉन्शियस टाइम, मतलब वेग बटे समय, तो यहाँ वेग को कॉन्शियस में मेजरमेंट करते हैं, आपको पता है मीटर पर सेकेंड होता है इसका यूनिट, मीटर पर सेकेंड, अब बाई टाइम है तो टाइम, ये टाइम जाके इसको इंटू कर देगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको इसको देख के भी पता होना चाहिए, देख करके भी पता चल जाना चाहिए कि कौन सा इसका यूनिट है, इसका मतलब यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन अपने पास कितना होगा, यूनिट ऑफ कितना ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन भी कुछ होगा, डायमेंशन तो डायमेंशन होगा, देखना इसमें मास है क्या, नहीं है तो 0, लेंथ है क्या, हाँ 1 है, टी टाइम है क्या, हाँ सेकेंड, बाई में है तो इसको -2, इस पर ऑलरेडी आपको मेजरमेंट में मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया था कि कैसे डायमेंशन निकालते हैं, कैसे यूनिट निकालते हैं, तो फर्स्ट लेक्चर देखेंगे मेजरमेंट का, तो उसमें आपको फर्स्ट लेक्चर नहीं देख लेंगे थंबनेल पे, कितना याद नहीं है थंबनेल पे लिखा हुआ है, तो ये यहां से ऐसे हम लोग निकालते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको मान लीजिए कोई बंदा है यहां पे, ठीक है, और यहां रेस्ट में, अभी क्या है रेस्ट, क्लियर, और क्या करता है कुछ अपने ऊपर फोर्स लगाता है और ये चलना शुरू करता है, तो कुछ टाइम बाद देखा जाता है कि यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आता है तो इसके स्पीड जो होता है 10 मीटर पर सेकेंड हो चुका होता है, फोर्स इसके ऊपर लगा होगा, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड होगा, और यहाँ से जो यहाँ तक गया उसका टाइम देखा गया तो 5 सेकेंड हो चुका था, कितना 5 सेकेंड, तो यहाँ से फाइंड करने हैं आपको कि बताइए एक्सेलरेट कितना किया, चेंज इन देखना यहाँ पे कौन चीज़ में था, रेस्ट में था, मतलब अगर यहाँ पे पता है इनिशियल को कौन से यू से इंडिकेट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से इंडिकेट करते हैं, एक कौन चीज़ में है, शुरू में कहा गया कि रेस्ट में था, मतलब इनिशियल इसका वेलोसिटी कितना है 0, अब यहाँ पे आ जाओ फाइनल को वी से इंडिकेट करते हैं, और इसका स्पीड कितना हो चुका है तो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम कितना लगा बोलो, टाइम लगा 5 सेकेंड, तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल बाई कितना होता है, देखना फाइनल कितना है 10 माइनस इनिशियल कितना है 0 बाई टाइम, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक तो 5,
मतलब 2 meter per second square। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए एक बंदा है यहाँ और यहाँ पे इसको देखा जाता है किसी टाइम पे इसको, तो इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड पहले से इसका पर सेकंड इसका है इतना। एक मान लो कि एक फोर्स लगा करके आ रहा होगा, साइकिल ही चला रहा है, साइकिल के 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला रहा है, पॉडल को और भी जोर से चलाता है और इसका स्पीड कुछ टाइम पे इंक्रीज कर लेता है यहाँ तक आता है, तो इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो चुका होता है। ठीक है, अब समझने की बात है, यहाँ से जो इसका टाइम यहाँ तक जाने में लगा, इसको 5 सेकंड लगा यहाँ तक ये स्पीड को इंक्रीज करने में, तो यहाँ से आपको फाइंड करने हैं कौन सी एक्सेलरेशन। तो देखिएगा, इनिशियली इसको कितना पे देखा गया, u, इनिशियल को u से इंडिकेट करते हैं, मतलब प्रारंभिक वेग कितना था, तो 10 मीटर पर सेकंड। अब देखा फाइनल, ये क्या है, फाइनल ही ना है, तो फाइनल में कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब फाइनल को कितना v से इंडिकेट करते हैं, अब देखना टाइम इतना, ये क्या हो गया टाइम 5 सेकंड, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या होता है v माइनस u बाई टू होता है, सॉरी t होता है, तो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 20 है माइनस इनिशियल कितना है तो 10 है, और बाई कितना टाइम कितना लगा तो 5 सेकंड लगा। इसका मतलब है कि 10 बटे कितना 5 कैंसिल होकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक और केस लेते हैं, समझिएगा कि एक बंदा यहाँ पे है, कुछ ऐसा बंदा है, और ए इधर से 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, स्पीड साइकिल ही चला रहा है, इमेजिन कर सकते हैं। क्या होता है, थक जाने के बाद इसका स्पीड आगे चल के देखा जाता है कि इसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो करके 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और कोई बंदा बाहर से उसको देख रहा था तो इसका टाइम जो लगा वो टाइम देखा कि 10 सेकंड के बाद इसका स्पीड इतना हो गया, 20 पे था और हो कितना गया 10। देखना ये शुरू कहाँ से किया, ये है स्टार्टिंग मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग मतलब u को इंडिकेट करते हैं, तो कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और ये है फाइनल यहाँ पे आ चुका है, तो फाइनल मतलब भी इसका टू कितना 15 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना 10 सेकंड। तो यहाँ से देखना एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इसका टू भी माइनस यू बाई कितना होता है टी होता है, ये है एक्सेलरेशन, तो यहाँ से देखना फाइनल वेलोसिटी कितना है 15 माइनस इनिशियल कितना है तो 20 बाई कितना टाइम कितना लग रहा है तो 10, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस करेंगे तो माइनस 5 बाई कितना 10 कैंसिल कर लें तो कितना हो जाएगा 0. वो भी कैसा -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि देखना ये माइनस क्या, ए कैसा आया, ए आया -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जब भी माइनस में आए इसका मतलब अपने स्पीड को क्या कर रहा है, स्पीड को या फिर क्या कह सकते हैं वेलोसिटी को, वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब कम कर रहा है, क्या कर रहा है स्पीड को कम कर रहा है। ठीक है, जब भी माइनस में आंसर आए तो समझेंगे कि स्पीड, अब समझो यहाँ से 20 के स्पीड से जा रहा था, इसका स्पीड क्या हो गया कम हो गया, इसका मतलब है ब्रेक लगना शुरू हो गया, फिर फोर्डिल को जितना स्पीड से चला रहा उतना स्पीड से नहीं चला रहा होगा, इसलिए उसका स्पीड कम हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। नेगेटिव है तो समझेंगे कि उसका एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में कमी हो रहा है, स्पीड में कमी हो रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस में आएगा, स्पीड बढ़ रहा है तो कौन चीज़ में आएगा, स्पीड को कन्फ्यूज में मत होना बार बार, चाल और वेग जब स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होता है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है तो दोनों सेम ही होता है, तो वेलोसिटी भी बोल सकते हैं वहाँ पे, स्पीड भी बोल सकते हैं, तो ज़्यादा सुटेबल हालांकि वेलोसिटी होगा, लेकिन बार बार मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि भाई वहाँ पे अगर वेलोसिटी बोल रहा हूँ या स्पीड बोल रहा हूँ तो गलत नहीं है सही है, तो ऐसा कहानी आपको याद रख सकते हैं। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आया कि स्पीड एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, उसका टोटल कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग, एक और बात कि हम लोग ग्राफ जो पढ़ने वाले हैं वो एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, मतलब समझ सकते हैं कि ग्राफ का निर्माण जहाँ से होता है वहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो इस मोशन का जो है ग्राफ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस लेक्चर को कंटिन्यू देखेंगे, अभी इसके बाद देखते हैं कि नया सा एक और टॉपिक लाएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे ग्राफ के ऊपर, जब तक पढ़ाई करें, एंजॉय करें।